नमस्कार स्वराज सेहत में आपका बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ रश्मि गौरी। भारत में हजारों लोग कोरोना से संक्रमित हैं और कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं और इस वायरस को पहले कभी भी नहीं देखा गया। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ इसके प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई वैक्सीनेशन भी नहीं तैयार हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से डरने की तो जरूरत नहीं है बल्कि थोड़ी सी सावधानी से कोरोना को हराया जा सकता है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कोरोना पर कि कैसे आप इस वायरस से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए अपना खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। और इसी बेहद ही खास विषय पर, कोरोना पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं RKGF मेडिकल कॉलेज भोपाल के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप पाठक जी। डॉक्टर सुदीप पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका। और हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि डॉक्टर सुदीप पाठक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भोपाल के सेक्रेटरी भी हैं। तो डॉक्टर पाठक, आज जिस तरह से, क्योंकि बेहद ही ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कोरोना, तो कोरोना वायरस आखिर क्या है और इसके क्या कुछ लक्षण बताए जाते हैं, क्योंकि अमूमन लोगों को तो पता भी नहीं है कि इसके क्या लक्षण हैं। देखिए, ये बेसिकली ऐसे नाम है कोरोना वायरस, ये एक प्रकार का वायरस है, ये कोई नया वायरस नहीं है। ये वर्चुअली हर साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस महीने में इसका संक्रमण होता है। आज नहीं, आज से 5, 10, 15, 20, 50 साल से हर साल ही इसका संक्रमण होता है। इस साल क्या हुआ है कि इस वायरस का हर साल में और 2-3 साल में इसके वायरस में कुछ स्ट्रेन में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ इसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, जो कि ये हमें पाया गया चाइना से, वुहान से, लेट दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 से। तो ये बेसिकली एक तरह का फ्लू वायरस है। और खास बात इस वायरस की ऐसी है, जब से इसमें म्यूटेशन पाया गया है और इसके लक्षण में, कि नॉर्मली इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इसके संक्रमण किसी भी व्यक्ति में होने का समय जो है वो 1 से 13 दिन, नॉर्मली 3 से 5-7 दिन तक रहता है। उस टाइम ये संक्रमण होता है और उसके लक्षण आते हैं। और लक्षण में बेसिकली 2-3 चीज़ें मुख्य रूप से चालू होती है, नॉर्मली सर्दी, जुकाम और खांसी और बुखार, ये 3 चीज़ से चालू होता है। यूजली 100 लोगों में अगर बीमारी होती है इसकी, कोरोना की, तो 80% लोगों में ये मामूली सा सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसा रहता है और बाकी 15% में ये थोड़ा सा गंभीर प्रकार का निमोनिया करता है और बाकी के 5% में ये सीवियर मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन के साथ में जानलेवा होता है। तो टू बिगिन विथ, स्टार्टिंग में ये बेसिकली निमोनिया जैसा होता है, तो जिसमें लोगों को निमोनिया और जुकाम के सिम्टम्स होते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी चलेगी, ड्राई कफ रहती है काफ़ी। और इसमें 80% ऑफ जो मरीज रहते हैं, जो पेशेंट रहते हैं, वो कुछ समय लेते हैं। इसमें इस वायरस की खासियत ये है कि ये नॉर्मल जो फ्लू होते हैं, नॉर्मल सर्दी जुकाम होते हैं, उससे थोड़ा सा लंबे इसका बीमारी का पीरियड रहता है। नॉर्मली लोग 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, इसमें कम से कम 20-25-30 दिन तक लग जाता है रिकवर होकर आने में। तो ये 80% उतने में निकल जाते हैं, 15% गंभीर निमोनिया और 5% जानलेवा स्टेट में आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुदीप पाठक जी, क्योंकि जब हम कोरोना वायरस के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो इसमें जिस तरह से हमने देखा है कि एक सेशन तक 15 डेज, 14 डेज, 21 डेज के लिए क्वारंटीन भी किया जाता है, तो ये क्वारंटीन करना कितना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन का खतरा लगातार बना रहता है, तो ये किस तरह के वायरस हैं जो ट्रांसफॉर्म होते हैं? ये रश ऐसा है कि रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, बेसिकली अगर अपन बात करें जैसे फैलता है, बेसिकली ड्रॉपलेट, मतलब हम लोग खांसते हैं, छींकते हैं, तो इसमें जो ड्रॉपलेट्स आते हैं उससे, या फिर अपन जो बोलते हैं फोमाइट, मतलब अपन कोई जो सरफेस होती है, कोई स्टेथोस्कोप हुआ या कोई कपड़े हुए उस पर रह जाता है। तो ये जब ह्यूमन बॉडी में रहता है
और जब इसका जो पीरियड रहता है ये कम से कम बोलते हैं 14 दिन से 20 दिन तक रेस्पिरेटरी सिक्रीशन में रहता है ये, तो यूजली 14 दिन तक मानते हैं, तभी हम लोग इसका क्वारंटीन पीरियड 14 दिन बोलते थे। और इसके बाद ये बोलते हैं कि इस वायरस का शेडिंग जो होता है हमारे मोशन में और यूरिन में भी होती है, वो कि 1 महीना तक चलता है। तो तभी आपने देखा होगा कि हांगकांग में चाइना में उन्हें पाया गया था कि कुछ कुछ घर में जहाँ पे मल्टी हाउसिंग सोसाइटीज है उन लोगों के सीवेज सिस्टम से होके लोगों को और संक्रमण हो रहा था। तो इस प्रकार से ये 14 दिन रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, 1 महीना तक अपने मोशन यूरिन से इसके इसमें रहता है इसका संक्रमण। साथ ही जब हम इसकी जांच करते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट लिया जाता है, तो किस तरह से टेस्ट किया जाता है, और जब हम सैंपल लिए जाते हैं तो क्या कुछ सैंपलिंग में कलेक्ट करना पड़ता है, और कितनी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि प्रिकॉशंस तो आप लोगों को भी बहुत बरतने पड़ते हैं। बस इसका सबसे दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं इस संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए। पहला है इसको टेस्टिंग और दूसरा है इसको बचाव करना। तो अगर अपन टेस्टिंग की बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड में WHO प्रमाणित दो इसके जांच के तरीके एक्सेप्टेबल अप्रूव्ड है बाय WHO एंड अमेरिकन CDC। एक है जो कि बोलते हैं RT-PCR रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें यह होता है कि इसमें अपन पेशेंट का गले से या नाक से स्वाब से अपन उसका सैंपल लेते हैं और उसको अपन वो मशीन में डालते हैं, और मशीन बेसिकली हमारे अगर हमारे गले में नाक से कहीं से भी बहुत ही कम मात्रा में भी अगर उसके वायरस रहते हैं तो वो उसको एम्पलीफाई करता है, मल्टीप्लाई करता है, मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाता है, लाखों करोड़ों उसकी, और वो हमारे उस सिस्टम में हमें दिख जाता है। मुश्किल बात यह है कि इसकी जो किट्स आती हैं ये सब हम बाहर से प्रोक्योर करते हैं, जर्मनी से, अमेरिका से, साउथ कोरिया से आती है, बाहर से आती है, तभी हमारे पास वो लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें उसको करना पड़ता है। दूसरा जो प्रोसीजर है इसको करने का वो होता है इसका एंटीबॉडी टेस्टिंग का होता है, जो कि बेसिकली हमारे शरीर में जब किसी व्यक्ति को, कोई पेशेंट को इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन होने के बाद जब वो रिकवर कर जाता है तो उसने एंटीबॉडी डेवलप करता है, मतलब कि उसने उससे फाइट कर लिया, उससे लड़ाई करके वो जीत जाता है। तो वो जो बॉडीज होती हैं जो उस वायरस को मारती है वो एंटीबॉडीज कहलाती है, और वो उस एंटीबॉडीज की टेस्टिंग की एक अलग किट आती है। तो बट वो एक्टिव इन्फेक्शन के लिए ये टेस्ट अप्रूव नहीं है। एक्टिव इन्फेक्शन के लिए सबसे एक्सेप्टेड टेस्ट RT-PCR जो कि WHO और अमेरिकन CDC की तरफ से दिया गया है। हमारे देश में अगर हम कोरोना की जो स्थिति है उसको लेकर डिस्कस करते हैं तो अभी हम किस स्टेज पर हैं, और स्पेशली अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 7,000 से ज्यादा का आंकड़ा पहुंच गया, और अगर आज ही हम भोपाल के रिगार्डिंग बात करते हैं तो 52 नए केसेस सामने आ गए हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, क्या ये वाकई में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की वजह से खतरा लगातार बढ़ रहा है? देखिए रश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन चल रहा है, ये स्टेज है कम्युनिटी ट्रांसमिशन चल रहा है। दूसरा जो है, जो बोलते हैं सब जगह आपने सुना है कि इस बीमारी की पीक, ये पीक अभी तक हमारे देश में नहीं आई है, और जो कि अनुमानित है जून और जुलाई के आसपास, बाय लेटर हाफ ऑफ जून एंड अर्ली पार्ट ऑफ जुलाई में इसकी पीक आएगी, जो कि हमारे एम्स के डायरेक्टर है डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने जैसे बताया है, बाकी और हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट ने जिन्होंने इसका असेसमेंट किया है। तो डेफिनेटली कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज है, हमने इसको कंटेन करा हुआ है बाय लॉकिंग डाउन, एंड लॉकिंग डाउन भी हॉटस्पॉट से तो उसको रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है। और आप जैसे बात करें हमारे देश में और प्रदेश में क्या है, देखिए प्रदेश में आज की तारीख में आपने जैसे बताया कि भोपाल में आज ही सुबह से लेकर अभी तक 30 से 50 के आसपास मेरे ख्याल में 52 केसेस पॉजिटिव आए हैं। मेरे को और ज्यादा ऐसे डिस्टर्बिंग बात ये लगती है, आप भोपाल छोड़ के आप जो छोटी छोटी जगह है, बुरहानपुर, खंडवा, निमाड़, आप ये सभी अगर देखेंगे, आप वहां की अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे, वहां की जनसंख्या जो है 1.5 से 2 लाख से ज्यादा नहीं है। और अगर वहां पे आप सोचें, अगर जैसे बुरहानपुर जैसी जगह में भोपाल से ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, तो मतलब ये सही में चिंताजनक बात है, बिकॉज इसको कंटेन करने में बहुत ज्यादा मैन पावर लगती है, एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, स्वास्थ्य कर्मी लगती है, टेस्टिंग कैपेसिटी लगती है, पुलिस कर्मी लगते हैं, बहुत सारी चीजों को आपको मोबिलाइज करना पड़ता है। तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा बेसिकली इसमें लोगों का जन भागीदारी जो बोलते हैं, लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन की जरूरत है कि वो इसमें समझे, वो अपने आप आगे आए,
उसको मदद करे कंटेन करने में, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है इसको कंटेन करने में। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर सुदीप आप लोग वाकई में कोरोना वॉरियर हैं और 24/7 आप लोग फील्ड पे हैं, आप लोगों को सिर्फ एक मरीज से दो चार नहीं होना पड़ता, आप लोगों को कई मरीज से दो चार होना पड़ता है। इस मीन वाइल आप लोग अपने प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने सुना है कि जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को अवेलेबल करवानी चाहिए वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, तो इन दैट केस आप लोग खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं फिर? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हम इसका बचाव और प्रोटेक्शन कैसे करें। इसमें दो तीन चीजें बहुत ही जरूरी है। एक है कि आपस में दो व्यक्ति की दूरी, ये कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी। दूसरा, हमारा पर्सनल जो हाइजीन है, जो उसके एटिकेट्स होते हैं, जो बोलते हैं ना कि बेसिकली जो बोल रहे हैं हाथ धोना। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, भोपाल से हैं डॉक्टर रामचरण, रामचरण जी जुड़ गए हैं जो डॉक्टर सुदीप पाठक से सवाल करेंगे। रामचरण जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए, क्या आपका सवाल है? सर मैं पूछना चाह रहा था कि करीब 10 साल पहले मेरा साइनसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था, साइनस का पेशेंट हूँ मैं। उसके बाद हर मौसम जब भी चेंज होता है सर्दी जुकाम मुझे बना रहता है, लेकिन चूंकि अभी कोरोना के सिम्टम्स भी ऐसे हैं तो एक तो मुझे डर लग रहा था कि कोरोना तो नहीं है। तो उसके सर एक्चुअली हम जिस जॉब में हम लोग घर में नहीं रुक पाते हैं, बाहर निकलना होता रहता है, घर जाके हम सैनिटाइज भी होते हैं, सब करते हैं, बच्ची छोटी है, तो ऐसे में और क्या प्रिकॉशन अपना है पेट में आते हैं तो ये वायरस हमारे घर तक ना पहुंचे। मैं बिल्कुल वही चर्चा जो चल रही थी, मैं वही इम्पोर्टेंट स्टेप्स बता रहा था इसके बचाव के। वो 4-5 चीज़ें हैं, आप उसको अगर ध्यान से रखेंगे तो बहुत हद तक आप इससे बच सकते हैं। फर्स्टली, आप कहीं पे भी जाए आप कोशिश ये करें कि आप दूसरे से कम 5 से 6 फीट की दूरी रखें। सबसे पहली चीज, कभी भी कहीं पे भी, चाहे आप जॉब पे जाए, चाहे घूमने जाए, कहीं पे भी जाए, पहली बात। दूसरी बात है अपना हाथ अपने पास अपने नीचे रखेंगे, हाथ को कभी भी अपने शरीर के किसी भी अंग से और चेहरे से तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बिकॉज जो फोमाइट ट्रांसमिशन बोलते हैं, मतलब जैसे कपड़ों में रह गया है, कोई आपके मोबाइल पे रह गया है, किसी पे रह गया है, आप इतना बड़ा जो कैश का ट्रांजेक्शन होता है आपने सोचा नहीं होगा। आप सोचिए इतने हजारों लाखों लोग जो कैश ट्रांजेक्ट करते हैं उसमें कितने लोगों को, मतलब आप तो कोरोना छोड़ दीजिए, इसकी कुछ दिन पहले की कुछ स्टडी है, दूसरे ग्रुप्स की है, लैंसेट की है, मेयो क्लिनिक की है, उन्होंने ये पाया गया है नॉर्मली नोट्स में जो अपने नोट मिलते हैं उसमें 90% किसी ना किसी प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस या वायरस रहते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ दिस थिंग। तो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अपना हाथ आप कभी भी चेहरे पे नहीं लगाएंगे, ये एक आप बात याद रखिएगा। चेहरे पर तो आपने देखा है लोग चेहरे पर लगा रहे हैं, आंख पे लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, वो नहीं लगाएंगे। तीसरी बात, आप मास्क पहनिए अगर आप लगता है आप कोई बहुत ज्यादा संक्रामित जगह पे जा रहे हैं, इतना आप कर ले तो आप बचाव अच्छे से कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपेश चौहान है विदिशा से। दीपेश सवाल कीजिए अपना। डॉक्टर साहब से सवाल था मैडम मेरा कि N95 मास्क जो होता है उसको क्या एक सिंगल यूज होता है, मतलब डिस्पोजल मास्क होता है वो, कि आप डबल से भी उसको यूज कर सकते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये था डॉक्टर साहब से कि टेम्परेचर क्या मायने रखता है कोरोना वायरस को डैमेज करने में? डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे दोनों सवाल पूछे हैं, टेक्निकल सवाल है। आप N95 मास्क ले ले या ट्रिपल लेयर मास्क ले ले, नॉर्मली इसमें बोलते हैं इनकी वैधता, इनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस है 6 से 8 घंटे तक रहती है। तो मैंने जैसे मास्क पहना है, अगर ये मैंने पहनते हुए इसको 6 से 8 घंटा हो जाए तो उसको उठा के फेंक दीजिए, इसको वॉश करके मत पहनिएगा। ये रीयूजेबल्स नहीं होते हैं कभी भी, कोई बोले कि रीयूजेबल होते हैं तो उसमें वो छेद हो जाएंगे, बल्कि आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी। तो आप 6 से 8 घंटे उसको मास्क पहनिए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपने क्या पूछी थी उन्होंने, दूसरा ये कि टेम्परेचर देखिए, ये दैट इज व्हाट आई सेड कि ये जो वायरस है ये बहुत ही यूनिक है अपने आप में। इसमें जो म्यूटेशन हुआ है इसमें, मतलब ये नॉर्मल प्रकार का वायरस जैसा इसने बिल्कुल ही बिहेव नहीं किया है। हमने जब लॉकडाउन चालू किया था मार्च में, अप्रैल में आते आते, हम सब लोग होपफुल थे, हमारे सरकार होपफुल थी कि बाय द टाइम ये मई की जो गर्मी आएगी ये वायरस खत्म हो जाएगा। बट आप देखेंगे कि आप भोपाल की अगर मैं बात करूं और एमपी की बात करूं, भोपाल में अप्रैल के बिगनिंग, लेट मार्च अप्रैल में 3-4 केसेस थे, मई में 500 केस थे और आज की तारीख में आप देखिए 1300 केसेस है। तो ये कम तो नहीं हो रहा है, मतलब इसका गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें द मोमेंट इसको समय मिलता है एक मरीज से दूसरे मरीज में जंप करने का, ये सर्वाइव कर जाता है।
ठीक है डॉक्टर सुदीप, जिस तरह से आपने बताया कि केसेस रेगुलर बढ़ रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे, डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, जिस तरह से ये इंक्रीज हो रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि आने वाले एक हफ्ते या दो हफ्ते बाद हम किस स्टेज पे होंगे फिर? क्योंकि अभी आपने जिस तरह से हवाला दिया कि एम्स के भी डायरेक्टर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि आने वाले वक्त में केसेस और बढ़ेंगे, और कई स्टडीज ऐसी हुई है जिसमें 21 लाख केस भारत में होने की संभावना जाहिर की गई है, तो वो इन दैट कंडीशन वो कितनी, मतलब उस वक्त क्या कुछ और प्रिकॉशंस बरतने की जरूरत रहती है फिर? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है, इसका अगर अपन ग्राफ को नोट करेंगे, अगर आपने इसके ग्राफ देखे हैं, अगर सेम चीज अगर आपने अगर दूसरे देशों में देखा है, जैसे कि यूके में, यूएसए में और चाइना में, नॉर्मली इसका एक ग्राफ बढ़ता है और एक स्टेट आता है जबकि ये बहुत ज़्यादा इसका इन्फेक्शन सोसाइटी में होता है एक लेवल पे। तो अभी हम लोग वो ग्राफ में चढ़ रहे हैं, अभी हम उसके पीक में नहीं पहुँचे हैं। कितने 21 लाख 20 लाख में कोई फिगर ऐसा कोई बोलूंगा नहीं, मतलब वो तो समय में अपने आप दिख जाएगा, बट अभी हम उसके ग्राफ के बढ़ने वाले स्टेज में हैं। अभी वो पीक आने में एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना बाकी है, और 1 से 1.5 महीने के आसपास में वो जब पीक आएगा तब हम होप करते हैं कि वो फिर प्लेटो करेगा, और फिर प्लेटो करने के बाद फिर वो नीचे आता है। बट इसमें एक बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम कोई भी चीज टेक्निकली साइंटिफिकली देखते हैं तो हम उसका एक्सपीरियंस देखते हैं पास्ट में क्या रहा है। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, आपने स्पेनिश फ्लू के बारे में सुना होगा। 1918 में सेम सार्स जो H1N1 वायरस से फ्लू हुआ था वर्ल्ड में, उसने पैंडेमिक किया था और 50 मिलियन लोग मरे थे उसमें। तो उस वायरस के साथ और इसके भी सेम है, बढ़ने के ऐसी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वायरस आता है, फिर कुछ दिनों बाद ये कम होता है, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि इसकी एक सेकेंड वेव आती है। आपने आज या कल का रिसेंटली WHO के अगर आप ब्रीफिंग देखते हैं तो उन्होंने बोला है कि अपने को और सभी को, पूरे दुनिया को थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा कि नॉर्मली इस प्रकार के वायरसेस में एक सेकेंड वेव आती है, और वो क्या होता है, उस वेव में ये वायरस फिर से थोड़ा सा म्यूटेशन हो जाता है, उसके कड़ी में कुछ बदलाव होते हैं। तो वो हो सकता है कि उस कड़ी में बदलाव से उसका संक्रमण करने का और मरीज को बीमार करने की उसकी क्षमता कम हो सकती है, बट वो बढ़ भी सकती है, जो कि स्पेनिश फ्लू के टाइम में सेकंड वेव में बहुत ज्यादा लोग मरे थे। तो बेसिकली हमें अपने सारे बचाव के, प्रिवेंशन के, जो पर्सनल हाइजीन के एटिकेट को रखना है, वो बाकी हमें उसके हिसाब से अपने काम करना है। तो डॉक्टर पाठक, मतलब कुल मिला के कि हम सबको कोरोना के साथ जीना अब सीख लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली इसने बहुत कुछ सिखाया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, ये एक पर्सनल हाइजीन एटिकेट एक सिखा के जाएगा, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। जी बिल्कुल, इसके बचाव के बारे में आपने बताया, इसके इलाज में किस तरह की और ज्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह से स्टेज वाइज स्टेज इसका इलाज होता है? देखिए, इसका इलाज के लिए अगर अपन बताऊं तो सबसे पहले बचाव तो अपन ने बता दिया है। इलाज के लिए मैंने जैसे आपको बताया था, इसमें 3 प्रकार के मरीज बनते हैं। इसमें 80% जो मरीज रहता है उसको मामूली सा सर्दी, जुखाम, खांसी होती है। तो उन व्यक्तियों को अगर बहुत ही माइल्ड है, उनको अपन सिंपल होम क्वारंटाइन या कोई डेजिग्नेटेड क्वारंटाइन सेंटर पे क्वारंटाइन कर दे या आइसोलेट कर दे, ताकि वो दूसरों से, पर्टिकुलरली जो लोग वृद्ध है, जो ओल्ड है, जिन लोग की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है बाई हाइपरटेंशन, डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम से, उनसे बचा के रखते हैं। तो 80% ऑफ द मरीज जो होता है उनको सिंपल हम लोग पैरासिटामोल की गोली दे देते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं, उससे समझ जाते हैं। बाकी जो 20% होते हैं उन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज वो ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनके लंग्स में संक्रमण ज्यादा होता है, तो इन लोगों में निमोनिया थोड़ा सा गंभीर ज्यादा होता है। इनमें से जो 15% होते हैं उन लोगों को जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, अभी बहुत सारी चीजें ट्रायल हो चुकी है, किसी ने एंटीमलेरियल ट्राई किया है, किसी ने कुछ और एंटीबायोटिक ट्राई किया है, बट ऑफ लेटली जो लास्टली 2 ही इसके विकल्प जो अमेरिका में स्टडीज में आए हैं पॉजिटिव, जो कि आपने देखा होगा रिसेंटली, आजकल हमारे देश ने भी एक दवाई है, एंटीवायरल ड्रग है जिसका नाम है रेमडेसिविर, उसका उन्होंने अप्रूवल दिया है, और दो हमारे यहाँ इसका कोई ट्रायल नहीं हुआ है, बट अमेरिका में इसके ऊपर बहुत ट्रायल हो चुका है और ये दवाई काम कर रही है मरीजों पे। 100% काम नहीं करती है, 40-50% में काम करती है। देखिए, एक तो ये दवाई का विकल्प से देते हैं वो, दूसरा जो एक ऑप्शन आया है
जिसको बोलते हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। आपने शायद नाम सुना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट हो गई इंदौर में, भोपाल में, सब जगह है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो भी मरीज एक बार ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में वो कुछ एंटीबॉडीज डेवलप कर लेता है जो कि उसको फाइट करके उस वायरस को मार के निकाल देती है। सो दैट मीन्स दैट एंटीबॉडी इज गुड। तो वो एंटीबॉडी को मैच करा के हम जो पेशेंट बहुत सिक होते हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, जिनका मल्टी ऑर्गन फेलियर है, वो 15-20% वाली कैटेगरी के हैं, तो उन लोगों को वो प्लाज्मा, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा हम लोग दिया जाता है 2-3 घंटे में। एंड उसके भी रिजल्ट जो यूएसए में दिखे हैं वही 40-50% के आसपास लोगों में रिजल्ट दिखे हैं। तो इवेंचुअली खाली ये दो जो ऑप्शन है जो गंभीर मरीज रहते हैं उनमें इस दोनों से कुछ कुछ हमें आशा की किरण नजर आती है। बाकी जो 80% है वो आप सोचिए कि अपन को हुआ है नॉर्मली सर्दी जुकाम होगा, हम 20 दिन दूर रहे, हम अपने आप ठीक हो घर चले जाएंगे, ऐसे ही होता है। डॉक्टर पाठक, जैसे ऐसे हम देख रहे हैं कि आपने भी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी बताया, डिफिकल्टीज वाकई में बहुत ज्यादा हैं, चुनौतियां भी हमारे सामने बहुत ज्यादा हैं कि हम कैसे फाइट इससे करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि जब टेस्ट किया जाता है, जब सैंपलिंग ली जाती है, जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है, तो पहली कई हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई, दूसरी नेगेटिव आई, और तीसरी रिपोर्ट आती है वो पॉजिटिव आ जाती है। इस सवाल का मैं जवाब दूंगी आपसे। इस वक्त हमारे साथ एक रायपुर से कॉलर जुड़ गए हैं, वितेश जुड़ गए। वितेश सवाल कीजिए अपना। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस की जांच किस तरीके से होती है? वितेश, हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था इसके दो तरह की जांचें होती हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं RT-PCR, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हम लोग नाक से या गले से हमारे स्वाब्स लेते हैं, और अगर किसी को इसका संक्रमण होता है, वायरस अगर इसमें होता है किसी मरीज को, तो वो जो मशीन के जरिए वो एक या दो या बहुत ही मिनिमल आरएनए वायरस की को वो मिलियंस कॉपी, हजारों लाखों का कॉपियंस बना लेता है और वो उससे रिपोर्ट आती है। तो WHO और अमेरिकन CDC ने इसी को, RT-PCR को, एक बेसिक स्टैंडर्ड माना है टू कंफर्म एक्टिव वायरल कोविड इन्फेक्शन। इसके बाद जब एक बार 15-20 दिन हो जाते हैं, जब मरीज ठीक होने लगता है, तो वो अपने शरीर में कुछ एंटीबॉडीज बनाता है। तो वो एंटीबॉडीज का टेस्ट जो होता है वो ब्लड से होता है, उसके लिए एक अलग रैपिड कार्ड आता है। तो वो एक्टिव इन्फेक्शन के लिए नहीं होता है, वो बेसिकली ये बताता है कि वो व्यक्ति ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है या नहीं कर ली है। तो बट एक्टिव इन्फेक्शन ढूंढने के लिए और पकड़ने के लिए हम RT-PCR ही यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है रितेश, आपको आपके सवाल का जवाब डॉक्टर पाठक से मिल गया होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद, धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर पाठक, हम बात कर रहे थे कि जब रिपोर्ट्स आती है, जब सैंपल लिए जाते हैं, तो पहली नेगेटिव आ जाती है, दूसरी नेगेटिव आ जाती है, और तीसरी जो रिपोर्ट आती है तो वो क्योंकि सस्पेक्टेड रहता है, तो हम जाहिर सी बात है टेस्ट लगातार करते रहते हैं, तीसरी रिपोर्ट सडन पॉजिटिव आ जाती है। ये डिस्पैरिटीज फिर क्यों, किस तरह से? ये देखिए, ये बहुत सिंपल है। कोई भी टेस्ट होते हैं उसमें कुछ परसेंट फॉल्स नेगेटिव आते हैं। फॉल्स नेगेटिव मतलब कि सोचिए मैंने ये टेस्ट लगाया है किसी का, तो 70% ऑफ द टाइम ये सही रिजल्ट देगा, 30% ऑफ द टाइम अगर मरीज के संक्रमण है तो भी नहीं देगा। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कुछ कुछ वर्ल्ड्स में इसकी स्टडी करी गई है, जो 2-3 बहुत ही अच्छी स्टैंडर्डाइज कंपनियाज हैं, उनके किट्स है, जैसे एक रोश करके अमेरिकन कंपनी है, वो लोग क्लेम करते हैं कि उनके किट्स के रिजल्ट 98-100% तक आते हैं। तो मतलब बाकी कहीं कहीं जो किट्स हैं जिनके रिजल्ट जो होते हैं 70% तक है, मतलब कि 30% ऑफ द टाइम में ऐसा होता है कि मरीज को इन्फेक्शन भी है बट वो उस टेस्ट से नहीं आ सकता है। सो इस बेसिकली आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई एक मरीज का, उसने 3 जगह से टेस्ट कराए 2-3 दिन के अंदर, तो एक आध रिपोर्ट हो सकता है कि नेगेटिव है और बाकी एक आध रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो इट इज क्वाइट नॉर्मल, जो हम लोग जानते हैं कि इट इज ए फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट, इट्स ए फैलेसी है जो उसकी टेस्ट की हमें लेके चलते हैं हम। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर पाठक, हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में आके हैं, किस तरह का लाइफ स्टाइल होना चाहिए? क्योंकि आप भी इस बात पर आपने भी जिक्र किया है कि नहीं, इसके साथ हमें जीना तो सीखना होगा, तो हमारा लाइफ स्टाइल किस तरह का होना चाहिए, खान पान किस तरह का होना चाहिए फिर? बिल्कुल, देखिए यही बेसिकली बॉटम लाइन है। मैंने आपको बोला है कि कोरोना एक बहुत बड़ी चीज सिखा के जाएगा कि जो बोलते हैं
हम लोग इतने दिन से स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, हम लोग अब जो है अब हमें पर्सनल हाइजीन एटिकेट जो हम बोलते हैं उसके ऊपर ये ध्यान दे रहेगा कि आप अपने हाथ 10 जगह नहीं लगाएंगे, लगाने के बाद अपने चेहरे पे नहीं लगाएंगे, मतलब आपने लगाया तो वायरस आना तो कंफर्म रहता है। इसी तरह से आप सेफ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें आपने सिखा गया है कि आप छींकते वगैरह समय कैसे करेंगे, आप बहुत ज़्यादा आपको सर्दी जुकाम है तो आप लोगों को अवॉइड करेंगे, क्राउडेड प्लेसेस में आप अवॉइड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली वो आपको सिखा के जाएगा एंड हाइजीन लेवल जो है बेसिकली सिखाएगा। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज बता के आएगा। रोकना चाहूंगी, दो कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हरदा से विकास है, विकास अपना सवाल कीजिए। नमस्ते, मेरा सवाल ये था सर, ये कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद इसका उपचार की प्रक्रिया क्या होती है? ठीक है, आपको उपचार की प्रक्रिया बताते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ बैतूल से, बाबूजी जुड़ गए। बाबूजी आप भी अपना सवाल कीजिए। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। उसकी उपचार की प्रक्रिया ऐसी है जैसे मैंने बताया है कि 80% ऑफ द टाइम में ये मामूली सर्दी जुकाम जैसा रहता है, उस जगह की स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि वो क्वारंटाइन में रखेगी, होम आइसोलेशन में रखेगी या आइसोलेशन सेंटर में रखेंगी आपको, डिपेंडिंग कि आपके कोई रिस्क फैक्टर्स है। बाकी आपके आसपास अगर आप लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कोई क्राउडेड एरिया में है जहाँ पे आप और आपके बाकी लोगों को इन्फेक्शन के चांसेस है जैसे आपने देखा है, तो वो आपको वहाँ से शिफ्ट करा के आइसोलेशन में रख सकते हैं। सिंपल पैरासिटामोल देंगे, उसी से ठीक हो जाएगा। अगर आपकी स्थिति या कोई मरीज की स्थिति ज़्यादा खराब होती है, निमोनिया होता है, तो इसका अस्पताल में भर्ती करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं। आजकल नई दवाइयाँ आई हैं, मैंने जैसे बताया है एंटीवायरल रेमडेसिविर का अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं अमेरिका से, हमारे यहाँ पे उन्होंने इसका अप्रूवल दे दिया है। और दूसरा जो है कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी पे भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, यही दो इसके विकल्प है जिसमें पॉजिटिव हमें कुछ मिल रहा है, बाकी हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं इसके लिए। चलते चलते क्या सलाह आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं तो बस इतना ही दूंगा कि एक तो डेफिनेटली जैसे आपने बोला है कि अब हमें इसके साथ जीना है, तो हम बेसिकली सेफ और गुड पर्सनल हाइजीन के साथ जीना सीखें, स्वस्थ खाना खाएं, फल सब्जी ज़्यादा खाएं और बाकी डिस्टेंस बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। इससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा अपन नहीं सक सकते बिकॉज अगले 1-1.5 साल तक ये चलेगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुदीप पाठक जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर सुदीप पाठक जी की सलाह पर आप लोग अपने जीवन को उसको उन तमाम चीज़ों को आप फॉलो करेंगे जिससे कोरोना के साथ किस तरह से जीना है और किस तरह से बचना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी। बहरहाल थोड़ा सेहत में आज मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।